नमस्ते, मैं हूँ गिरीश रामचंदे और आज के इस रिक्रिएशनल व्हीकल रेफ्रिजरेटर के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। इस रेफ्रिजरेटर को आरवी रेफ्रिजरेटर, अमोनिया रेफ्रिजरेटर, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर या फिर थ्री फ्लूइड रेफ्रिजरेटर या फिर इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। ये जो वीडियो है ये बनाने के लिए हमारी जो है श्रीजी मैकेनिकल सर्विस ने हेल्प की है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। तो चलते हैं रेफ्रिजरेटर की ओर। तो आरवी रेफ्रिजरेटर जो है उसको समझने से पहले रिक्रिएशनल व्हीकल्स क्या होती है या फिर रिक्रिएशनल जो हम लोग उसको गाड़ी होती है अलग टाइप की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसी गाड़ी होती है कि जिस गाड़ी में किचन, बाथरूम और रहने सोने का इंतज़ाम उसमें होता है। साथ ही में इस प्रकार की जो गाड़ी होती है उसमें एसी, रेफ्रिजरेटर और वाटर हीटर, टीवी इत्यादि सुविधा उसमें होती है। तो ऐसी जो रिक्रिएशनल वैन्स होती है, व्हीकल्स होती है, ऐसी व्हीकल्स में जो रेफ्रिजरेटर यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो रिक्रिएशनल व्हीकल की अगर बात करें तो ये व्हीकल में सारी चीज़ें जो एक गाड़ी में होती है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे बाथरूम होगा या फिर किचन होगा, सोने का इंतज़ाम होगा, ओके, वहाँ पे एसी होगा, फ्रिज होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो जगह होगी कम होगी। इसके लिए ये जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनकी साइज़ जो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर से साइज़ में छोटे होते हैं, ओके, क्योंकि अभी ये व्हीकल में ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, एक या दो लोग ही रहने वाले होते हैं। ये ज़्यादा करके जो एक्टर्स अपने साथ में गाड़ी लेके जाते हैं ना, उसको भी आप क्या कह सकते हो, रिक्रिएशनल व्हीकल। जैसे शूटिंग की साइट है तो वहाँ पे हर एक एक्टर की अपनी एक रिक्रिएशनल व्हीकल होती है और उसमें वो रेस्ट कर सकते हैं या फिर वो टीवी देख सकते हैं, ओके, तो उनके लिए छोटे छोटे फ्रिज भी होते हैं, तो उसी फ्रिज को हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशनल रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। अब वो सब जगह छोटी होती है तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, तो उसमें कंप्रेसर वाले रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं करते। हम जो घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसमें कंप्रेसर होता है जो आवाज़ करता है, लेकिन ये जो रिक्रिएशनल रेफ्रिजरेटर्स होते हैं इसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल की जगह पे वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होता, ओके। और ये जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, ये रेफ्रिजरेटर 12 वोल्ट डीसी पे भी काम कर सकते हैं, उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो उसको चलाना है तो जो गाड़ी की बैटरी है उससे भी ये रेफ्रिजरेटर को चलाया जा सकता है, या फिर 240 वोल्ट एसी पे भी इस एसी को, सॉरी, फ्रिज को चलाया जा सकता है, या फिर गैस की जो फ्लेम होती है ना, नॉर्मली जो प्रोपेन या आइसोब्यूटेन गैस यूज़ करते हैं और उसकी जो फ्लेम होती है, उसकी जो बत्ती होती है, उसके ऊपर भी ये रेफ्रिजरेटर जो है काम कर सकते हैं। और ये जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है, जैसे आज के डेट में हम लोग 134A यूज़ करते हैं फ्रिज में या फिर हाइड्रोकार्बन गैस यूज़ करते हैं, तो इसमें जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होती है उसमें पानी होता है, अमोनिया होता है और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। और ये जो रिक्रिएशनल व्हीकल्स होती है, इस व्हीकल्स में जो है टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक, इस व्हीकल के जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट में 4 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। आइस बनना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अप टू 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है, ओके। तो ये जो देख रहे हो ना, ये अंदर का कैबिनेट है इसका। फिर इसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो ब्रांड का नेम हो गया, देन एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर, जैसे मैंने बताया इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो उसमें एक एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर भी इसको कहा जा सकता है। फिर इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर वगैरह दिए। वॉल्यूम, जैसे मैंने कहा कि इसकी साइज़ काफ़ी कम होती है, ये 40 लीटर का है, 50 लीटर का भी होता है, अलग अलग लीटर्स के यहाँ पे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इनपुट वोल्टेज, जैसे ये पर्टिकुलर जो फ्रिज है वो 220 से लेके 240 वोल्ट जो है उसके बीच में चलता है, 50 या 60 हर्ट्ज का पावर सप्लाई इसको चलेगा, पावर रेटिंग 65 वाट्स पावर लेता है। देन रेफ्रिजरेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि रेफ्रिजरेंट जो इसमें हाइड्रोजन होता है, पानी होता है और नाइट्रोजन, सॉरी, अमोनिया होता है, अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन यूज होता है, तो यहाँ पे खाली दो रेफ्रिजरेंट का नाम दिया उन्होंने, पानी H2 मतलब पानी होता है और इसकी क्वांटिटी दी है 145 ग्राम और अमोनिया, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, वो 100 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके ऊपर ही काम करता है। लेकिन ऑलमोस्ट एक हाइड्रोजन भी इसमें, मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर में हाइड्रोजन भी इस्तेमाल होता है। देन इंसुलेशन ब्लोइंग गैस, मतलब इंसुलेशन मटेरियल जो होता है ना फ्रिज को, तो इंसुलेशन लगता है, तो उसको फुलाने के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, तो ये जो है साइक्लोपेंटेन नाम की गैस होती है, ये जो C5H10 दिया है दैट इज साइक्लोपेंटेन गैस होती है। पहले ज़माने हम लोग R11 यूज़ करते थे इंसुलेशन को फुलाने के लिए, लेकिन R11 के ऊपर बैन आ गया है, उसके ऊपर बंदी आ गई है, तो इसकी जगह पे साइक्लोपेंटेन का इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेंट, सॉरी, ये जो इंसुलेशन है उसको फुलाने के लिए। देन उन्होंने आगे दिया कि क्लाइमेटिक क्लास N, तो क्लाइमेटिक क्लास क्या होता है, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर किस तापमान में चलेगा,
तो इसका एक क्लास होता है, तो जहाँ पे यहाँ पे एन लिखा है, तो एन का मतलब क्या होता है, ये जो रेफ्रिजरेटर है ये 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में बढ़िया बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। क्योंकि क्या होता है, ये जो वैंस होती है ना, ये वैंस एक जगह पे नहीं रुकती, अलग अलग जगह पे चली जाती है, तो अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। तो कंपनी का ऐसा कहना है कि अगर आप 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर इसको कहीं पे भी लेके जाते हो, तो जैसे मैंने कहा इनसाइड टेम्परेचर 4 या 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होगा, तो अच्छी तरीके से मेंटेन होगा। कुछ रेफ्रिजरेटर जो होते हैं इससे ज़्यादा रेंज में काम करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक में भी वो रेफ्रिजरेटर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास एन लिखा है, तो क्लास एन का मतलब ये होता है कि 16 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान में काम कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल डिटेल हो गए इस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर के, और अंदर का साइड तो आपने देख लिया, ये अंदर इस तरीके से होता है। तो इसमें कुछ जैसे मैंने कहा कि एक या दो आदमी वैन में रहेंगे, मोस्ट ऑफ एक ही आदमी होता है, तो उसके लिए जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी खाने का सामान है जिसको ठंडा रखना ज़रूरी है, तो इसमें रखा जा सकता है। ये हो गया इसके फ्रंट साइड, ऐसे सामने ऐसे दिखता है, अंदर से कुछ यहाँ पे इवेपरेटर होता है उसका, और ऐसे यहाँ पे खाने का सामान रख सकते हैं, यहाँ पे थर्मोस्टेट के नॉब वगैरह होते हैं, और पीछे से रेफ्रिजरेटर कुछ इस तरीके से दिखता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप अगर इंटरेस्टेड हो इसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल समझने के लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं कमेंट के हिसाब से इसकी साइकिल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा करके वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ के आदत है, वेपर एब्जॉर्प्शन को का रेफ्रिजरेटर बहुत कम जो होते बनते हैं और काफ़ी कम जगह पे उसका एप्लीकेशन होता है, इसके लिए ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा। तो इसमें ये जो आपको रेफ्रिजरेटर दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये जो दिख रहा है ऊपर मैंने लिखा हुआ है कंडेंसर, ओके, तो हीट रिजेक्शन का काम करेगा, एब्जॉर्बर कॉइल होती है, ओके, ये जो है रेफ्रिजरेंट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, मतलब इस ये जो है इसमें पानी वगैरह होता है और रेफ्रिजरेंट एज अमोनिया यूज़ होता है, तो अमोनिया को एब्जॉर्ब करने का काम जो है ये कॉइल करती है। एब्जॉर्बर वेसल है कि यहाँ पे अमोनिया और पानी का जो मिक्सचर है यहाँ पे होगा। फिर ये जो पार्ट है इसको हम लोग जनरेटर कहते हैं, ओके, जनरेटर में नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपको इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर है ना एक जनरेटर, मतलब एक ट्यूब होती है, ट्यूब के ऊपर हीटर लगाते हैं। पर्टिकुलरली ये जो मॉडल है जैसे 240 वोल्ट पे, जैसे डेटा प्लेट में हम लोग ने देखा 240 वोल्ट पे काम करने वाला है, तो इसमें इस पावर से हीटर को गर्म किया जाता है, और हीटर की गर्मी की वजह से जो है जनरेटर में अमोनिया सेपरेट होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ एब्जॉर्बर कॉइल होती है, इसमें अमोनिया और पानी का मिक्सचर होता है, तो ये जो जनरेटर है इसमें उसको हीट दी जाती है, फिर अमोनिया जो है वो सेपरेट हो जाता है यहाँ पे, और पानी सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट हुआ पानी फिर एब्जॉर्बर में आ जाता है, और अमोनिया जो है वो कंडेंसर से फिर जो है इस लाइन से इवेपरेटर, अंदर जो इवेपरेटर होता है इवेपरेटर में चला जाता है। तो मेन जो रेफ्रिजरेंट है वो दैट इज़ अमोनिया, अमोनिया से काम करता है, और पानी जो है वो पानी हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एज एब्जॉर्बेंट, और हाइड्रोजन भी इसमें यूज़ होता है। तो इसका डिटेल जो है हम लोग किसी और वीडियो में स्टडी करेंगे कि बेसिकली अमोनिया का काम क्या है, पानी का काम क्या है, और हाइड्रोजन का काम क्या है, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे जस्ट हम लोग पार्ट देख रहे हैं, और इसमें जैसे मुझे मेनली बताना है कि यहाँ पे कंप्रेसर यूज़ नहीं होता, ओके, कंप्रेसर का जो काम है वो एब्जॉर्बर और जनरेटर यहाँ पे कर रहे हैं, तो कंप्रेसर को हमने रिप्लेस कर दिया। क्यों कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि कंप्रेसर शोर करता है, और इस गाड़ी में जगह कम होने के कारण डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसके लिए वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।